नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। रिया, रिया कहाँ है? कुश, कहाँ जा रहे हो? लेटे रहो। मुझे कितने दिन हो गए? 3 दिन। I have to get out of that village. अरे, कुश, पागल हो गया तू? हाँ? अभी तू ठीक नहीं है। आराम कर। हम साथ में चलेंगे। I have to get out of there. हम साथ में चलेंगे। 5 दिन। आराम से। रावत साहब, मैंने अपनी सारी जिंदगी खाप खातर लगा दी। अपने छोरे तक से बात नहीं की 16 साल तक। चौई साहब, इसलिए तो आप खाप के प्रधान थे। 40 गांव के लोग आपकी इज्जत करते थे। मैंने थोड़ा वक्त चाहिए रावत साहब, आप इन लोगों को समझा सको। ये लोग कम से कम मेरी इतनी बेइज्जती तो न करें। चौई साहब, जब तक आपके पास ताकत थी मैं आपके साथ था। आप फिर ताकत हासिल कर लो, मैं फिर आपके साथ हो जाऊंगा। श्रावत साहब, मारी अर्ज। श्रावत साहब, सर मेरी शादी सबकी मर्जी से हुई है। और गांव वाले प्रथा के नाम पर इस शादी को तुड़वाकर रिया की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। ये तो कानून के खिलाफ है। आई एम श्योर कि हम इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे कोर्ट में डाल सकते हैं। भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किसी भी संगठन, पंचायत या खाप पंचायत को यह हक नहीं है कि वो किसी शादी को रद्द कर सके। अदालत कुश और रिया की शादी को लीगल करार देते हुए बेलिफ नियुक्त करती है और यह आदेश जारी करती है कि वो पुलिस की निगरानी में रिया को गांव से सुरक्षित निकालकर कुश को सौंपे। राम राम चौधरी। राम राम चौधरी साहब। राम राम। अपनी पोती के लिए कोई दूल्हा देखा चौधरी साहब? 5 दिन की मोहलत तो घर पर बैठे बैठे निकाल दी चौधरी ने। ना 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 चौधरी साहब, बेटी घर पे हो तो बाहर निकलना पड़ता है, ये झोली फैलानी पड़ती है। आसमान से नहीं टपका करते छोरे। आसमान से ना सही, करके दरवाजे से तो आ सकता है ना कोई छोरा। लखबीर है, आ जा रे भाई, देख ले रे भाई सब कुछ। बाद में ना बोलियो कि ससुराल चोखा ना मिला। लखबीर को उसकी दुल्हन दिखा दो चौधरी। मेरी शादी हो चुकी है, सुना आप लोगों ने? मेरी शादी हो चुकी है। प्रथा, मारी रानी बिटिया प्रथा, पैदा होने से पहले ही हम सबकी शादी हो जाती है इस प्रथा के साथ। जियो तो इस प्रथा के साथ, वरना मर जाओ। नहीं चौधरी साहब, मारी बेटी मरी, यो इसका बेटा मरा। देख ले रे भाई लखबीर है, बाद में ना कही हो कि गुड़ की बेली चाहिए थी और मिर्ची थमा दी। जंगल राज है आप लोगों का, इंसान नहीं जानवर है आप लोग, जानवर। ए, दो बित्ते की चोद रायन, घर पे खड़े हैं तेरे, वरना बता देते कितने बड़े जानवर हैं हम। तो फिर निकलिए यहाँ से। दादाजी क्यों नहीं बोलते इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए? जो के बोलेगा, जो कुछ बोलेगी प्रथा बोलेगी, और प्रथा बोलती है या तो चौधरी ओमकार सिंह लखबीर सिंह की बारात के स्वागत की तैयारी करे, नहीं तो क्या? हाँ दादाजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग आपको धमकी दे रहे हैं, आप फिर भी चुप खड़े हैं। क्योंकि तेरे दादाजी ये जानते हैं कि यो धमकी ना है, यो सच है, हमारी प्रथा का सच, वो सच जो हम सबके खून से ज्यादा गाढ़ा है। राम राम। चलो रे लखबीर, शादी की तैयारी करो। रिया, रिया, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? रिया, रिया कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो, ये क्या बचपना है? बहू समझाओ इसे, बाहर गांव वालों ने पैरा बिठा रखा, कैसे जाएगी यो? रिया दादाजी की बात समझो। क्या कर लेंगे वो लोग, मार डालेंगे ना मुझे। वैसे भी मेरी दूसरी शादी करवा के मारी तो रहे पाऊंगी मैं कुछ के बगैर जिंदा?
मुझे थोड़ा वक्त दे बेटी। कुछ नहीं कर सकते दादाजी आप। जब कुछ को मारा जा रहा था तब आप चुप थे, जब हमारी शादी का मजाक उड़ाया जा रहा था तब भी आप चुप थे। मैं चुप था क्योंकि मैं थारे से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को। नहीं दादाजी, आप मुझसे नहीं अपनी प्रथा से प्यार करते हैं। 16 साल पहले पापा आपको छोड़कर चले गए, आपने उन्हें नहीं रोका तो आज मुझे भी मत रोकिए। रिया, कुश, रिया, कुश, रिया, मैं कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। लेट्स गो हरिया, गिव मी योर बैग, चलो जल्दी, लेट्स गो। देखो गांव वालों, मेरे पास कोर्ट का आदेश है। कुश और रिया की शादी कोर्ट ने मंजूर की है, इसलिए उन्हें यहां जबरन रखना कानून की नजर में जुर्म है। अरे सुन रहे बावड़ी पूछ, यो शादी ब्याह मारे समाज का मामला है और इस मामले में फैसला भी मारी पंचायत का चलेगा, कोर्ट का नहीं। देखन के लाग रहे हो, अपने समाज खातिर कुर्बान होना है तो हो जाओ आज। पकड़ो साला उन्हें, पकड़ो। साढ़े भूतनी के ये भी कौन सा कानून लेके आओगे तू? हाँ हेलो हेलो, सजोद पुलिस स्टेशन। छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को, छोड़ दीजिए। छोड़ तो दिया था 5 दिन पहला, इसलिए कि तुम लोग पुलिस ने बुलाओ मारे ऊपर। और क्या कर लेगी पुलिस मारा? ज्योति चाटे है पुलिस मंत्रियां की, और मंत्री तब तक मंत्री है जब लग हम चाहे। मारी पंचायत से ज्यादा बड़ी ताकत कोई ना इस इलाके में। वाह चौधरी वाह, हमने तो चिंता थी कि तेरे पोती और उसके यार ने मार नहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, लेकिन तू तो खुद ही आ गया बंदूक लेके। दौलत सिंह, आज से यो सब बंद। गोद के नाम पे अब मैं गांव में किसी की जान नहीं लेने दूंगा, लाशें बिछा दूंगा अगर किसी ने मेरी पोती को छुआ तो। रुको चौधरी साहब, हटो रे, चलो हटो, चलो हटो ऐसे। यो के कर रहे हो चौधरी साहब, खून खराबा कराओगा के? कान खोल के सुन लो सारे के सारे, कोर्ट का ऑर्डर है कि चौधरी साहब की पोती और दामाद को कोई हाथ नहीं लगाएगा। चलो छोड़ रहे, चलो हट जा, चलो कमा रिया, चलो बेटा बैठो तुम लोग गाड़ी में। चलो रिया। भैरव सिंह, मेरे बालक सही सलामत पहुंचने चाहिए दिल्ली। थम चिंता मत करो चौधरी, इसी काम के लिए तो हम यहाँ आए हैं, थम तो थोड़ा धीरज रखो। एक जो सजा देनी चाहो दे दो मन्ना। चलो रे गांव वालों, को लेके कड़ा जा रहा है भैरव सिंह। मारे को ऊपर से ऑर्डर मिला है, पर तुम लोग समझा करो, मारी नौकरी का सवाल है। थारी नौकरी साड़ी समाज की प्रथा से कब से बड़ी होगी?
हाँ निकालो दोनों को। रुक रे, सिर्फ छोरा छोरी निकालो। अरे यार ठीक नहीं है। सिंह बोल रहा हूं, जल्दी से आप पुलिस पार्टी भेजिए वरना अरेस्ट हो जाएगा। सब तैयारी हो गई गांव वालों? चला दे कालू नाम ट्रैक्टर, चला आज फिर दिखा दे अपना जिगरा। अरे रुक रे, के होया सुखी राम भाई? पंचायत का प्रेसिडेंट होने के नाते ये शुभ कार्य करने का सौभाग्य तो मेरे को मिलना चाहिए दौलत सिंह जी। एक दिन ये हाथ कांप गए थे, कम से कम आज तो इन हाथों की ताकत अजमा लूं। ठीक है प्रेसिडेंट साहब, तुम्हें करो जो शुभ काम। ठीक है इब तुम सब लोग जाओ यहां से। जाओ यहां से मतबल? जो दिल्ली का मामला है कुछ भी हो सके, फिर कोई कमजोर पड़ेगा इनके सामने। मैं नहीं चाहता कि कोई यहां रहे, जब कोई कुछ देखेगा नहीं तो कमेटी को बतावेगा कि तुमने के लगे हम कमजोर पड़ जाएंगे। अरे डॉलर सिंह, तेरे से ज्यादा मजबूत दिल वाला तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये दिल्ली वाले हैं, बहुत बड़ा हंगामा मचेगा इनकी मौत के बाद। भैरव सिंह को देखा नहीं तूने? साड़े को पहले कभी मुंह खोलते देखा था? अरे जाओ रे सुलानी के, जाओ सारे के सारे, ये तुम्हारी पंचायत के प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। रो रही है छोरी? मेरी बेटी भी रोई थी ऐसे ही, तब तेरे दादा ने कहा था देख क्या रहा है सुखी राम, मार इसने, मार अपनी बेटी को, ये शुद्धिकरण है छोरी, शुद्धिकरण है। सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी। चंदर दोगले, रिया, चौधरी, तेरे बालक वह नहीं है चौधरी। तो फिर कहाँ है मेरी पोती और मेरा दामाद? वो तो मैंने शहर भेज दिए, गांव वाले उनको जिंदा नहीं छोड़ते, और आग मैंने इसलिए लगाई ताकि मेरे ड्रामे को थोड़ा टाइम मिल जाए। यो के कर दिया मन्ने, के कर दिया मन्ने, बिना सोचे समझे के कर दिया मन्ने। बस यही समझ ले चौधरी, ऊपर वाले की पंचायत का यही हुक्म था, मेरी किस्मत में
तेरे हाथों मरना लिखा था। उस दिन भट्टे पे तो बच गया, लेकिन आज सजा तो मुझे भी मिली। मैंने अपना बेटा खुद मार दिया। ये सब बदलना होगा, हम सबको बदलना होगा भाई। मैं तो उसी दिन बदल गया था जब अपनी बेटी को अपने सामने मरते देखा था। लेकिन ये ताला सिंह नहीं बदलेगा चौधरी। उस साड़े से बच के रहियो। चल चल, मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। अरे नहीं चौधरी, यही मरने दे मुझे। अरे इस मिट्टी के साथ ऊपर जाऊंगा तो हो सकता है कि माफी मिल जा। सुखी 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 राम, सुखी राम। चौधरी साहब, आपको गिरफ्तार किया जाता है। चौधरी साहब, क्या हुआ चौधरी साहब? पकड़े गए सब लोग? बाकी तो सारे पकड़ लिए गए, बस वो दौलत सिंह फरार है। उसे भी पकड़ो, नहीं तो वो मेरे बच्चों की जान ले देगा। हम चिंता मत करो चौधरी, पुलिस ढूंढने लग रही है, बच के कहाँ जाएगा वो साला।